तो देखो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि अगर एक हम लोग पास वेज है, समझना इस क्वेश्चन को, समझने की कोशिश करना। लेट अस सपोज कि अगर ये वेज है और ये वेज स्मूथ सरफेस है और इस पर अगर मैं ब्लॉक रखूंगा तो अब इसलिए ये जो ब्लॉक है वो नीचे आ जाएगा, एम जी साइन थीटा नीचे लगेगा, इस वजह से ये ब्लॉक नीचे डाउनवर्ड एक्सलेट हो जाएगा, ठीक है। बट अगर मैं इसको एक हॉरिजेंटल एक्सलेशन ए दे देता हूँ पूरे वेज को, तो ऐसा पॉसिबल है कि एक स्पेशल एक्सलेशन के लिए ये इस पे एट रेस्ट में आ जाए। तो वो स्पेशल एक्सलेशन निकालना है जिसके लिए जो ब्लॉक है वो वेज के रिस्पेक्ट में रेस्ट में रहे, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। तो चलिए वो स्पेशल एक्सलेशन निकालते हैं जिसके लिए जो ब्लॉक है वो ये के रेस्ट में रहेगा, तो उस एक्सलेशन को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने का सबसे आसान तरीका है, सबसे पहले फोर्सेस देखो, ये जो है थीटा, एंगल थीटा है, मैं इसको सूडो से कर देता हूँ। तो अगर मैं इसी के रिस्पेक्ट में, अगर ये जो वेज सिस्टम आगे जा रहा है और मैं अगर उसी पे बैठ जाऊँ, इस सिस्टम पे आके बैठ जाऊँ, ऑब्जर्वर यहाँ पे आ जाए, ठीक है, तो ये ऑब्जर्वर इस ब्लॉक को रेस्ट में देखेगा। तो अगर अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे ले लेते हो, एक्स ऐसे ले लेते हो, वाई ऐसे ले लेते हो, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। मतलब इस पे ब्लॉक पे फोर्स देखो नॉर्मल उधर लगेगा, इसके अलावा ये वर्टिकल वाली लाइन है तो वर्टिकल में एम जी नीचे लग गई, ठीक है। और अगर ये एंगल थीटा होता है तो ये भी थीटा होता है, और दो फोर्स तो ये लग गया, एक नॉर्मल इस ब्लॉक पे, नॉर्मल जो ब्लॉक पे, सोचना ब्लॉक पे, वेज पे नहीं, ब्लॉक पे जो है वेज नॉर्मल लगाया, अर्थ लगाई एम जी, और एक ऑब्जर्वर लगाएगा इधर सूडो। सूडो हमेशा फ्रेम के अपोजिट और फ्रेम के अपोजिट, जैसे फ्रेम आगे जा रहा था राइट साइड तो सूडो लेफ्ट साइड आएगा। तो मास ऑफ द ब्लॉक और एक्सलेशन ऑफ फ्रेम के इक्वल होता है, इसके अलावा और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इस ब्लॉक, इन ये तीनों मिल के इस ब्लॉक को इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में रेस्ट में रखे हैं, तो अगर ये थीटा है तो ये भी तो थीटा है, तो नॉर्मल का एक कंपोनेंट ऊपर जाएगा जो होगा n cos थीटा, और नॉर्मल का एक कंपोनेंट इधर आएगा जो होगा n sin थीटा। अब अगर ये ब्लॉक रेस्ट में है, तो एट रेस्ट में है, तो उस रेस्ट कंडीशन के लिए मैं लिख सकता हूँ कि n sin थीटा मस्ट बी इक्वल टू एम ए बाई द ऑब्जर्वर ऑन द दिस वेज। इस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग रेस्ट में आएगा तो उसको दिखेगा रेस्ट में है, तो एन साइन थीटा एम ए को कैंसिल कर दिया होगा, और एन कॉस थीटा एम जी को कैंसिल कर दिया होगा। ये दो इक्वेशन बन गए। फर्स्ट सेकेंड में डिवाइड कर दूं तो यह आ जाएगा टेन थीटा दैट इज इक्वल टू एक्सलेशन ए, तो एक्सलेशन ए बाई जी, तो एक्सलेशन ए की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी जी टेन थीटा, ये इसका फाइनल सोल्यूशन है, ठीक है। अब अगर अपना कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे लेता है, मान लो कोऑर्डिनेट सिस्टम कोई ऐसे लेता है, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, एलोंग द इंक्लाइन प्लेन और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन, तो सॉल्व तो कभी कभी इसमें नॉर्मल भी पूछ देता है। तो अगर एक्सलेशन की वैल्यू आ गई तो नॉर्मल आप यहाँ से इसी क्वेश्चन से कैलकुलेट कर सकते हो कि नॉर्मल अप्लाइड बाई द वेज ऑन ब्लॉक, तो नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी एम जी अपॉन कॉस थीटा। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द नॉर्मल अप्लाइड बाई द वेज ऑन द ब्लॉक्स। ये कभी कभी इसमें अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम कोई ऐसे लेता है एक्स वाई, तो उसके लिए थोड़ा सा लिटिल बिट डिफिकल्ट हो जाएगा, लेंदी थोड़ा हो जाएगा, करके देख लेते हैं एक बार। अगर मान लो इसी सवाल को कोई करता है और वो कोऑर्डिनेट सिस्टम कोई ऐसे लेता है अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, ऐसे लेता है एक्स और y ऐसे लिखता है। अब ये जो ऑब्जर्वर यहाँ पर बैठा है, जो ऑब्जर्वर यहाँ पर बैठा है, उस ऑब्जर्वर वो सूडो फोर्स लगाएगा। देखो कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे लेना, ये अपनी x एक्सिस रही और इसके परपेंडिकुलर y एक्सिस रही, mg नीचे चली गई, ये आ जाएगी mg, ठीक है, और सूडो आ जाएगा इधर को, सूडो आ जाएगा उधर की इस ऑब्जर्वर, और नॉर्मल आ जाएगा ऐसे, ये तीन फोर्स हैं। तो अब अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे लिए तो सभी फोर्सेस हमें इसी के अकॉर्डिंग रखना पड़ेगा, तो मुझे किसको किसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले ये देखो बच्चों, सबसे पहले मुझे एम जी और सूडो दोनों को रिजॉल्व करना पड़ेगा। ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा है, तो एम जी का एक कॉम्पोनेंट नीचे गया जो होगा एम जी कॉस थीटा,
और एम जी का एक कॉम्पोनेंट इधर आएगा जो होगा एम जी साइन थीटा। सूडो भी रिजॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि सूडो भी इस सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं है, कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर ये थीटा है तो सूडो का एक कॉम्पोनेंट इधर आएगा जो होगा एम ए कॉस थीटा, और सूडो का एक कॉम्पोनेंट नॉर्मल के अपोजिट जो आएगा जो होगा एम ए साइन थीटा। तो एम ए साइन थीटा एम जी कॉस थीटा, और एम जी साइन थीटा एम ए कॉस थीटा। तो अब इनको बैलेंस कर दो। अगर ये ब्लॉक रेस्ट में है तो इसका मतलब ये हुआ कि एम जी साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू कॉम्पोनेंट ऑफ सूडो एम ए कॉस थीटा। तो यहाँ से मुझे एक्सलेशन ए की वैल्यू आ जाएगी, एम ने एम को ख़त्म कर दिया, एक्सलेशन ए की वैल्यू आ जाएगी जी टेन थीटा, जो कि सॉल्व होके आ गया। अगर नॉर्मल निकालना हो तो नॉर्मल निकालने के लिए मुझे नॉर्मल की वैल्यू वर्टिकल नॉर्मल मस्ट बी इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा। नॉर्मल की वैल्यू इसके इक्वल हो गया, तो अगर नॉर्मल की वैल्यू एम जी साइन एम जी कॉस थीटा नॉर्मल चाहिए तो मुझे एम साइन थीटा एक्सलेशन की वैल्यू डालना पड़ेगा इसमें। यहाँ से एक्सलेशन डाल दो, एक्सलेशन की वैल्यू कितनी है, जी टेन थीटा को लिख सकता हूँ साइन थीटा अपन कॉस थीटा। तो कॉस थीटा ने सॉरी कॉस थीटा लिख सकता हूँ इसको, तब इसको सॉल्व कर लो तो एम जी कॉमन आ गया, और ये बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाई कॉस थीटा नीचे आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि एम जी अपॉन कॉस थीटा दिस इज द वैल्यू ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन। तो ये नॉर्मल रिएक्शन हमें कैलकुलेट होके